नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। चीन का पड़ोसी देश है ताइवान, बेहद खूबसूरत और छोटा सा, लेकिन इस देश पर आजकल ड्रैगन की नजर पड़ गई है और चीन आए दिन ताइवान को धमकी दे रहा है, साथ ही उसे चीन में मिला लेने के लिए आमदा है। लेकिन ताइवान है कि चीन को महत्व ही नहीं देता और अब तो इस मामले में अमेरिका ने भी एंट्री ले ली है। इस रिपोर्ट में देखिए, ताइवान और चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन के ताइवान पर हमला करने की स्थिति में अमेरिका ताइवान के बचाव में सामने आएगा। 21 अक्टूबर को आयोजित बैठक में उन्होंने यह बात कही है। बैठक के दौरान यह पूछे जाने पर कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा, इसका जवाब देते हुए बाइडेन ने कहा कि हाँ, हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो बाइडेन के इस बयान का ताइवान में स्वागत किया गया। ताइवान राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता जेवियर चांग ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी सरकार ने वास्तविक कार्यों के माध्यम से ताइवान के लिए अपने ठोस समर्थन का प्रदर्शन किया है। चीन से खुद को बचाने के लिए ताइवान राष्ट्रीय संगठनों को मजबूत करने पर जोर दिया है। जो बाइडेन के बयान के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से ताइवान पर सावधानी बरतने को कही है। ताइवान ने कहा है कि चीन के पास अपने मूल हितों से जुड़े मुद्दों पर समझौता करने के लिए कोई जगह नहीं है। चीन में एक बार फिर ताइवान को लेकर गुस्सा है। इस गुस्से का कारण ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू का अगले सप्ताह यूरोप दौरे पर स्लोवाकिया जाना है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेन विन ने ताइवान के विदेश मंत्री के यूरोप दौरे को लेकर व्यापक असंतोष जताया। वांग ने यूरोपीय देशों से द्विपक्षीय संबंधों की राजनीतिक नींव को कमजोर करने की अपील की। अक्टूबर महीने में अब तक करीब 200 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में घुसे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि चीनी युद्धक विमानों द्वारा अक्टूबर में अब तक 9 बार घुसपैठ की गई है। ताइवान के रक्षा मंत्री चियू कुओ चेंग ने ताइवान में चीनी विमानों द्वारा घुसपैठ की रिकॉर्ड संख्या के बाद कहा कि चीन के साथ ताइपे का सैन्य तनाव 40 से अधिक वर्षों से चल रहा है। चीन से बढ़ते खतरे के बीच ताइवान ने अमेरिका से जल्द F-16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी करने की गुहार लगाई है। 2019 में ताइवान ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया था, जो करीब 10 साल में पूरा होगा। चीनी उकसावे और खतरे के मद्देनजर ताइवान को वास्तविक डिलीवरी के समय में तेजी लाने की उम्मीद है। ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि हम न तो दबाव में झुकेंगे, न ही कोई समर्थन मिलने पर जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगे। ताइवान की राष्ट्रपति के प्रवक्ता जेवियर चेंग ने कहा कि ताइवान मजबूती से आत्मरक्षा करेगा। चेंग ने माना कि अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने लगातार ताइवान को ठोस समर्थन दिया। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत चांग यून ने ताइवान पर अमेरिकी रुख को खतरनाक बताया था। हाल के हफ्तों में ताइवान और चीन में तनाव बढ़ा है। चीन के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में अतिक्रमण किया था। चीन और ताइवान के बीच तनाव ऐतिहासिक है। 1940 के दशक में गृह युद्ध के दौरान चीन और ताइवान का विभाजन हुआ था। उसके बाद से ताइवान खुद को स्वतंत्र देश कहता है, जबकि चीन स्वायत्त प्रांत के तौर पर देखता है और जरूरत पड़ने पर बलपूर्वक मिला लेने की बात करता है। ताइवान का अपना संविधान, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नेता और करीब 3 लाख सक्रिय सैनिक है। ताइवान की जनसंख्या 2,50,00,000 के करीब है। ताइवान को कुछ ही देशों ने मान्यता दी है। ताइवान को ज्यादा देश चीन का हिस्सा मानते हैं। अमेरिका का भी ताइवान के साथ आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध नहीं, लेकिन अमेरिका ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत उसे हथियार बेचता है। उस कानून में कहा गया है कि अमेरिका ताइवान की आत्मरक्षा के लिए जरूरी मदद करेगा। सच्चाई ये है कि चीन ताइवान को अपना अधिकार क्षेत्र मानता है, जैसे भारत के अरुणाचल प्रदेश को लेकर दावा करता रहा है, ठीक उसी तरह। लेकिन ताइवान एक स्वयं संप्रभु देश है जिसका अपना संविधान है। वहीं अमेरिका इन दोनों के बीच हथियार और विचार की सौदेबाजी कर रहा है, जो वो हमेशा से करता आया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद। We'll be right back.